दोस्तों नमस्कार, सबको हैप्पी नवरात्रि हमारे तरफ से। और चलिए आज मैं आपको उत्कृष्ट गैस के बारे में चर्चा करता हूँ, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सभी को शेयर कर दिया करें, खींच के लाइक किया करें दोस्तों। लाइक बहुत कम आती है, हमारी मेहनत सब बेकार चली जाती है, आप लाइक नहीं कर पाते। लाइक करें, ज़्यादा खींच के शेयर करें, आँख की तरह फैलाइए एकदम वीडियो को, जिससे हमको भी कुछ बेनिफिट हो, कम से कम लाइक मिले, सपोर्ट मिले, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है अंदर से। चलिए सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। तो चलिए आज हम आपको उत्कृष्ट गैसों के बारे में सब कुछ डिटेल से बताते हैं। उत्कृष्ट गैसें मेन हैं हमारी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये हमारी मेन हैं। हालांकि आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एक नीचे ओजी भी मिल जाती है, पर इसका बहुत विशेष काम अभी तक नहीं मिला। तो मेन ये है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। अगर इसे आप पढ़ना चाहें तो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, हीना, नीना और करीना, जीना है रेडान। अगर इसको भी जोड़ना हो तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं, हीना, नीना और करीना, जीना है रेडान, ओजी। तो थोड़ा सा अच्छे से गाना बन जाएगा, आप इसे एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान और ये हो गया ओजी। इसमें अब दोस्तों इसका अगर परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो जो परमाणु क्रमांक है ये 2 नंबर में आता है, ये 10 नंबर में आता है, ये 18 नंबर में आता है और ये 36 नंबर में आता है, ये 54 नंबर में आएगा, ये 86 नंबर में आएगा। अब दोस्तों यदि आपके मन में ये क्वेश्चन बन रहा हो कि आप भूल जाएंगे, यदि आप भूल रहा हो तो एक हमारे इलेक्ट्रॉनों को रखने का क्रम हुआ करता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस क्रम से हमारे पूरे टेबल में इलेक्ट्रॉनों को रखा गया है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान को। तो इसे आप देख सकते हैं आसानी से कि जैसे हीलियम 2 नंबर में तो आ चुका है, प्लस 8 करेंगे 10 आएगा, प्लस 8 करेंगे 18 आएगा, प्लस 18 करेंगे 36 आएगा, प्लस 18 करेंगे 54 आएगा और प्लस 18 करेंगे दोस्तों तो 86 आएगा। तो अपना ये हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक याद आई होगी, हीना, नीना और करीना, जीना है रेडान, हीना, नीना और करीना, जीना है रेडान, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। अब इसके देख लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा यूजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेज, कभी भी इसके पूछ ले जाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जो अपनी गैस है हीलियम, ये सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की तो नहीं कह सकते, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे हल्की, लेकिन जो यूजफुल है उसके लिए बोल देते हैं हम कि हीलियम हल्की गैस होने के कारण वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है ये कि हाइड्रोजन हल्की गैस है हीलियम से, फिर भी वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों? तो हीलियम गैस जो भरी जाती है उसका मेन कारण है कि वो अक्रिय गैस है, इसीलिए वो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है तो उससे हल्की, लेकिन वो ज्वलनशील गैस है जिसके कारण उसको वायुयान के टायरों में उपयोग नहीं करते हम, हीलियम का करते हैं। उसके बाद है नियान, नियान का उपयोग हम विज्ञापनों की लाइट में करते हैं, हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए, नियान का उपयोग हम स्ट्रीट लाइट में उसके विज्ञापनों के लाइट में करते हैं। और जो आर्गन है इसको हम बल्ब में यूज करते हैं, बल्ब में यूज करने में क्या होता है कि जो हमारा फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है वो जल्दी जल जाता है, अगर आर्गन गैस उसमें ना भरी जाए तो उसके वातावरण को निष्क्रिय करके उसमें आर्गन गैस भर दी जाती है। उसके बाद क्रिप्टॉन और जीनान है, इनके उपयोग भी बल्बों में ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ये इससे महंगी पड़ जाती है इसलिए इनका यूज कम जगह में की जाती है, कम बल्बों में होती है। और जो अपना रेडॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो ऐसी गैस है अपनी रेडॉन। तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लें। और रेडॉन का उपयोग एक चीज़ और है, जो शरीर के दुर्विकसित अंग हैं उनको यदि शरीर से हटाना हो तो इसी के माध्यम से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रेडॉन का उपयोग है कैंसर के उपचार में, दुर्विकसित अंगों को हटाने के लिए, तो इसे एक बार और देख सकते हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे तो हमेशा हमेशा याद रहेगा, हीना, नीना और करीना, जीना है रेडान, ओजी। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, 2, 10, 18, 36, 54, 86, इनको और
जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, 18वें नंबर का समूह भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ये सब इन्हीं के नाम हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है कि इसे आप शेयर अच्छे से करें। सब लोग अपने अपने जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ जहाँ देखते हैं आप, हर जगह इसको एक आग की तरह एक बार फैला दीजिए, जिससे सबके पास ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।